फैजपुर खंडराव वाड़ी मंदिर के उत्तर अधिकारी पवन दास जी महाराज नर्मदा परिक्रमा के लिए गए थे। वहाँ से आने के बाद इन्होंने नर्मदा परिक्रम में क्या हुआ इस बारे में हमारे चैनल जनता की बात पर बात की और आगे क्या करने वाले हैं इस बारे में भी इन्होंने बताया। हम आपको हमारे चैनल जनता की बात के जरिए बता रहे हैं कि खंडराव मंदिर महाराज के उत्तर अधिकारी पवन दास जी महाराज ने हमारे न्यूज़ चैनल जनता की बात पर बातचीत की और क्या कहा। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात। आप कहाँ पर गए थे? मैं जो माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए पूज्य सभी संतों के साथ में गया था, उसमें पूज्य टीला द्वाराचार्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु माधवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में परिक्रमा माँ नर्मदा की निकाली गई थी, जो 10 दिवस में पूर्ण हुई। अच्छा, तुम्हारा वहाँ जाने का क्या संकल्प था, किस लिए गए? वहाँ जाने का संकल्प ही था, हमारे सभी संतों ने एक संकल्प लिया था कि जिस समय हमारे आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसी हेतु हमने माँ नर्मदा के परिक्रमा करने का संकल्प लिया था। उसी उद्देश्य से हम गए थे, राष्ट्र में शांति हो, सभी का विश्व में कल्याण हो, इस हेतु से हम माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए गए थे। और अच्छा, अब इसके बाद कब जाने का है, आगे तुम्हारा संकल्प है? अब आने वाले समय में अगले साल हम फिर से माँ नर्मदा की परिक्रमा करेंगे, उसमें शिवपुरी से, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों से लोग रहेंगे, गुजरात से, भरूच से, भरूच के कई ज़िलों के भी लोग रहेंगे, हमारे महाराष्ट्र अपने फैजपुर से, फैजपुर के इधर उधर आजू बाजू के भी हजारों की संख्या में ये यात्रा में लोग शामिल होंगे। उसकी तारीख भी जल्द निश्चित की जाएगी और जहाँ इस यात्रा का, माँ नर्मदा की यात्रा का जब हम समापन करेंगे तो उसमें पूज्य राम जन्मभूमि के अध्यक्ष पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 परम वंदनीय पूजनीय स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का हमको सानिध्य प्राप्त होगा एवं यह एक परिक्रमा पूज्य महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में निकाली जाएगी। अब भारत देश की शांति अमन के लिए ये यात्रा जी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर अनुभव रहा और हमने मैया से प्रार्थना की, माँ भक्ति के देने वाली है, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इसी आधार को लेकर हमने यह परिक्रमा की थी। हर हर महादेव।